प्यारे बच्चों नमस्ते। आज वर्चुअल क्लास में आप लोगों को मैंने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी थी और बहुत ऐसे पाठ्यक्रम में विषय थे जिसको सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, तो आज हम उसी पर चर्चा करते हुए संधि पढ़ेंगे और संधि से हमें चार नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए संधि, संधि से चार नंबर का प्रश्न रहेगा। इसमें हमें पढ़ना है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से दो नंबर का प्रश्न रहेगा और व्यंजन संधि में हमें दो सूत्र पढ़ना है। पहला सूत्र है कि वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, और दूसरा जो सूत्र पढ़ना है वह है वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। तो आज इस दो सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। पहला वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम और दूसरा वर्गीय प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम। अब ध्यान ये देना है कि आप प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण कैसे होगा और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण कैसे होगा। तो आप अपना कॉपी कलम निकाल लें और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम देखेंगे, मिटा रहे हैं। पहला है कि वर्गीय प्रथम वर्णानाम तृतीय वर्णे परिवर्तनम, ठीक है। इसका सूत्र होता है झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते। झलाम जसो अन्ते इसका सूत्र होता है। अब झलाम जसो अन्ते की हम लोग परिभाषा करते हैं तो कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व ह रहे तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। रुको,
ध्यान देंगे, यह सूत्र कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या स्वर रहे तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ध्यान देंगे, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, अब हम इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें, पहला ये कहता है यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण हो गया क च ट त और प, वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या स्वर रहे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद अर्थात क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर रहे तो यह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का यानी क रहता है तो ग हो जाएगा, च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द और प रहता है तो ब हो जाता है। यही है नियम। फिर से ध्यान देंगे कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या स्वर रहे तो वह प्रथम वर्ण उसी वर्ग का अर्थात अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका संक्षिप्त जो रूप है वह कह रहा है कि प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद, क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर रहे तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो वह प्रथम वर्ण क्या होता है, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। एक बार और ध्यान से सुन लेंगे कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण रहे या य र ल व रहे या कोई स्वर रहे तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का अर्थात क रहता है तो ग, च रहेगा तो ज, त रहेगा तो ड, त रहेगा तो द, प रहेगा तो ब। तो फिर से ध्यान देंगे एक बार और कि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो या य र ल व हो या कोई स्वर हो तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण। जैसे हम कहते हैं दिक् जोड़ गजह, ध्यान देंगे क पर प्रथम वर्ण क है और उसके बाद तृतीय वर्ण आ गया ग, क ख ग तृतीय वर्ण, तो यह वर्ण जो है तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा तो होगा दिग्गजह। क्या होगा, दिग्गजह। अब हम कहेंगे दिक् जोड़ अंबरह तो क ग में बदलेगा तो क्या होगा, दिगंबरह, दिगंबरह। ध्यान देंगे पुनः हम कहेंगे वाक जोड़ दानम तो क ग में बदलेगा तो क्या होगा, वाग दानम, वाग दानम। उसी के बाद कहेंगे अप जोड़ जम, अप जोड़ जम तो क्या होगा, अप ब में बदलेगा, प किस में बदल रहा है ब में तो अब जम। उसी तरह अच
जोड़ अंतः, अच जोड़ अंतः, तो च किस में बदल रहा है, ज में, तो क्या हो जाएगा अजंतः, अच जोड़ अंतः क्या होगा अजंतः। अब हम कहेंगे दिक् जोड़ भ्रमः, दिक् जोड़ भ्रमः क्या होगा, क का ग, दिक् भ्रमः, दिक् भ्रमः, ठीक है। और एक और लास्ट हम कहेंगे जगत जोड़ ईशा, तो हो जाएगा जगत दिशा। थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन हम तीन संधि का रूप पढ़ेंगे, पहला प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण, उसके बाद विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर उ और विसर्ग का तीनों स, दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स, अगले वीडियो में हम देंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग प्रयास करेंगे वीडियो देखकर कॉपी पर उतार लेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आप समझने का प्रयास करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप पर वॉइस मैसेज देकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।